वो चीज पवन सिंह सुन के भड़क गए और अच्छा उस दिन के बाद से स्टार्ट हुआ हमारा रिलेशन खराब होना। अब वो रिकॉर्डिंग वायरल की गई, इवन मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दे रही हूँ, एक और रिकॉर्डिंग पवन सिंह को भिजवाया गया था। ये आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा है और इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह किस वजह से अलग हुए और इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गलत फहमियां बढ़ाई अक्षरा सिंह ने। अक्षरा सिंह ही है सारा मास्टरमाइंड, देखते हैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में। न खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। इतना कुछ हो रहा है, इतना तमाशा हो रहा है, आप बताइए एक लड़की, क्या मेरे लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं है फिर करने में, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है? तो सबसे पहले इस चीज को क्लियर करते हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता खराब कैसे हुआ। पवन सिंह और ज्योति सिंह एक फिल्म के सेट पे थे जिस फिल्म का नाम था राजा। उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे पवन सिंह। पवन सिंह के फोन पे अक्षर सिंह ने एक रिकॉर्डिंग भेजवाया जिसमें क्या कुछ था सुनो। अच्छा सूट के ये गए शॉट देने के लिए, वहाँ पे मैं भी, ये मुझे लेके गए, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और ये इनकी शूटिंग चल रही थी, तो इनका फोन मेरे पास था, ठीक है। अच्छा। उस फोन पे एक रिकॉर्डिंग आया था। अच्छा। किसी लड़के की आवाज थी, वो रिकॉर्डिंग थी कि ज्योति सिंह के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। अच्छा। ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, नेता बॉयफ्रेंड है, और क्या बोलते हैं, नेता बॉयफ्रेंड है, ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा गया था कि ये सारे ना ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अच्छा। और ज्योति सिंह के अफेयर है पास्ट में, ये वो चीज पवन सिंह सुन के भड़क गए। अच्छा। और उस दिन के बाद से स्टार्ट हुआ हमारा रिलेशन खराब होना। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज से करीब 2-3 साल पहले अक्षर सिंह और ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जिसमें पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह ने कुछ कहा था। इस चीज, इस रिकॉर्डिंग को अक्षर सिंह ने ही वायरल किया था। अच्छा, वो कॉल रिकॉर्डिंग अक्षर से वायरल की थी जी। ऑब्वियसली मेरे और उनके बारे में बात हो रही है। हाँ, हाँ। और मैं और वो बात कर रहे हैं, तो तीसरा कौन वायरल करेगा? न खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे।